ये दुआएं जरा बच्ची जो है ये मिल गई है या अभी नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली है। इस बच्ची के हवाले से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जो है फेसबुक के ऊपर जो है वो किया जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ तो फैमिली जो है वो बच्ची को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ जो है वो दरखास्तें कर रही है मुख्तलिफ मुतालका इदारों से, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो है वो हरकत ये की जा रही है कि कोई कह रहा है कि जी वो बच्ची मिल गई है, फलाना जगह से मिल गई है। अच्छा, फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं रह रही है, इससे आगे बढ़ के जी वो मंशियात की आदी थी और कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो ये सोच खुद सोचे कि एक फैमिली जो कि जैसे ही परेशान है और उसके बाद सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक सर्टन जो है वो चीज बनाकर और उसको शेयर कर रहे हैं, तो कितनी तकलीफदेह बात है। इसको रोकना चाहिए। पुलिस एडिशनल आईजी कराची EVCC इलाके पुलिस SSP कुरंगी बशीर मेमन और फैसल बशीर मेमन और दीगर जो टीम है वो काम इसके ऊपर कर रही है। मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस की मदद से इसको किया जा रहा है। देखते ये है कि आगे क्या मामला तय होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ केसेज में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, मगर ताहम इस मामले में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। बच्ची 14 साल की बताई जा रही है, चलो उसकी उम्र छोड़ दें, जब वो बच्ची गई तो कैसी गई, कोई CCTV फुटेज जो है उसके अंदर अभी तक चीजें सामने नहीं आई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके ऊपर पुलिस काम कर रही है, हमें उनको भी काम करने देना चाहिए, उनके ऊपर भी सर्टन प्रेशर बिल्डअप नहीं करना चाहिए और बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बच्ची मिलेगी वालदैन खुद बता देंगे। फेसबुक के ऊपर प्लीज खुदा के लिए नहीं करें, क्योंकि हम मिल रहे हैं, हम उसकी फैमिली से रबते में हैं, इंतहाई तकलीफ में है। मैं अपने दोस्तों से और जो लोग हैं प्लीज ये आदेश शेयर करें कि बच्ची नहीं मिली है और गैर जिम्मेदाराना तौर पे जो है कोई ऐसी पोस्ट और इस हवाले से ना करें कि तकलीफ हो। शुक्रिया।